गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर सब्जेक्ट्स क्लास 5 लेसन फर्स्ट. फर्स्ट लेसन नेम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट लेसन का ये एक्सरसाइज है. ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 14. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द वर्ड मीनिंग. I will say for word, then your book outlines the word. Information. First word है, कुछ word हम बताएंगे, उस word को आप लोग ढूंढकर सर्किल करेंगे या तो आउटलाइन करेंगे. उस वर्ड को नोट्स बुक्स में घर पे जाकर मीनिंग को ढूंढकर लिखना है. देन उसको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा. इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इंस्ट्रक्शन, डिस्कवरिंग. And automatic page number 13 पे automatic है, storage है, speed है, and limitation. सिक्स पॉइंट में मीनिंग दिया है. लिमिटेशंस, एंड जनरेशन. आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसमें जो जनरेशन दिया है उसका मीनिंग. जनरेशन किसे कहते हैं, ये काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, इसलिए मैंने इसको दिया. देन नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. फिल अप योर नोट्स बुक्स. फर्स्ट नेपर बोन्स वे आर डिस्कवर्ड बाय डैश जॉन नेपर्स. आंसर जॉन नेपर. सेकेंड डैश वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. आप लोगों को पता होगा, पढ़ाया गया होगा. हार्वर्ड मार्क फर्स्ट बुक में दिया है. थर्ड है इज नो एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. आप लोगों को सबको पता होगा कि कंप्यूटर का फादर कौन सा है, चार्ल्स बेबेज. फोर्थ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर मेकिंग सर्किट. आंसर है वैक्यूम ट्यूब. फिफ्थ है एडैश कंस्टेंट्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स माइक्रो प्रोसेसर. देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट आंसर डी. मैं मैच कर रहा हूँ, आप लोग देखकर इसको नोटबुक में और बुक में फिलअप कर लेंगे. सेकेंड है ई. थर्ड ए. फोर्थ सी. देन लास्ट बी. फिफ्थ देन नेक्स्ट एक्सरसाइज. आई विल डू इट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. Give the one word for each of the following and take the correct answer, true, false and question answer. So, wait for you next video my. That's all. Thank you.